लोग कहते हैं कि गीता बुढ़ापे के लिए है, सन्यासियों के लिए है, या फिर बोलते हैं कि गीता आज के युग के लायक नहीं है। सारी गलत बातें हैं। जब हम लोग गीता का बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी भूमिका जब देखते हैं, तो पाते हैं कि उस समय क्या परिस्थिति है। एक तरफ 11 अक्षौणी सेना और दूसरी तरफ 7। अगर हम लाख के हिसाब से मिले 11 लाख और 7 लाख, और बस पहला तीर चला, हजारों सर कट के गिरेंगे। और उस इतना टेंशन, और श्री कृष्ण बिल्कुल शांत है, कोई भाव नहीं, और पूरे युद्ध के समय मन का बिल्कुल शांत रहा। गीता के समय हम लोग जैसा पाते हैं, महाभारत युद्ध के समय भी हम लोग वैसा ही पाते हैं, बिल्कुल शांत। यानी आज जब हम लोग लोगों को देखते हैं ऑफिस में तनावग्रस्त है, हम लोग जब देखते हैं कि घर में तनावग्रस्त है, लोग जब हम लोग के पास आते हैं, हम लोग बोलते गीता पढ़िए, सोचिए, विचार कीजिए, ठीक हो जाएगा। दूर, ये तो बुढ़ापे के लिए। अरे यार, युद्ध भूमि में जब लाखों लोग मरने वाले हैं, उसमें इसका उपदेश दिया गया है। क्या विशेषता है इसकी? क्योंकि गीता जीवन को महत्व नहीं देता है, गीता जीवन दर्शन को महत्व देता है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ को महत्व देता है। और फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे देखेंगे, मूलतः 3 फिलॉसफी बोलते हैं कि अर्जुन सुनो, पहला दर्शन है कि पंचभूत से तुम बने हो, मरने के बाद पंचभूत में समा जाओगे, न पहले तुम थे न बाद में तुम रहोगे। तो अगर ऐसा है तो कलंक क्यों लेना है युद्ध से भाग करके? तो वो 10 साल बाद मरोगे, अभी मर जाओ, अंतर क्या पड़ता है? धर्म क्यों छोड़ोगे, कलंक क्यों लोगे? और दूसरा है कि आत्मा मरती है और आत्मा पुनः जन्म लेती है। ये हम लोग के कर्म कांड है, वेद का एक दर्शन, उनका यह सिद्धांत था। तो उसमें तो तुम मरोगे फिर जन्म लोगे, तो चिंता की क्या बात है? और तीसरा सिद्धांत है कि आत्मा सर्वव्यापी है, वही वास्तविक सत्य है। तो उसमें आत्मा का न तो जन्म होगा न मृत्यु। तो 3 में से कुछ तो एक तुम्हारा जीवन दर्शन होगा। अर्जुन को कोई जीवन दर्शन नहीं था, कुछ नहीं था। यहां पर 2 चीजें हैं। पहला, हिंदू धर्म, उसका सार। हिंदू धर्म क्या है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे। और दूसरा है जीवन दर्शन। जीवन दर्शन को जब अपना लिया जाता है, अब जो व्यक्ति जान गया कि मैं विशुद्ध आत्मा हूं, मैं जन्म मरण के पार हूं, उसे क्या अंतर पड़ता है कि कौन उसे गाली देता है, कौन उसकी निंदा करता है, कौन उसे पूछता है? उसको बोलेगा तुम्हें मार दे रहे, मार दो, मैं थोड़ी मर रहा हूं, मेरा शरीर मर रहा है। दूसरा है कि जीवन, मरूंगा जीऊंगा, मरूंगा जन्म लूंगा, मरूंगा जन्म, और मार दो ना, कल तो फिर जन्म लेंगे हम लोग, अंतर क्या पड़ता है? और तीसरा है कि नहीं भाई, ये सब कुछ नहीं है। बिग बैंग जब हुआ था, विश्व ब्रह्मांड का जन्म हुआ, वहां से कैसे कैसे करके मेरे माँ पिताजी के संपर्क से मेरा जन्म हुआ, मैं मर जाऊंगा, खेल खत्म। तो भाई इतना टेंशन लेने का क्या है, मरोगे ही ना, इसके आगे तो कुछ नहीं होगा। धर्म मत छोड़ो। यानी गीता बुढ़ापे के लिए नहीं है, गीता सन्यासियों के लिए ही केवल नहीं है, गीता हर व्यक्ति के लिए है। गीता जीवन दर्शन के रूप में सबके लिए महत्वपूर्ण है, और गीता हिंदू धर्म सार संग्रह के लिए, हर हिंदू के लिए जानना बहुत आवश्यक है। जब संपत्ति का विभाजन होता है घर में, लोग 4 अंगुल जमीन के लिए लड़ाई करते हैं, कुछ पैसे के लिए लड़ाई करते हैं, लोगों के जब तलाक होते हैं, जज साहब के पास अपील पर अपील होती है, मुझे कुछ और पैसा दिया जाए। यानी आपका यह अधिकार है, यह आपको विरासत में मिल रहा है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। हम लोग गीता हमारे पूर्वजों की धरोहर है हमारे पास, और हमें विरासत रूप में मिली है, इसलिए हम लोग के लिए आवश्यक है कि हम लोग इसका अध्ययन करें, समझें, और आने वाली पीढ़ी को बोलें कि देखो हमारे बाप दादा ने तुम्हारे लिए इसे छोड़ रखा था, यह लो तुम्हारे बाप दादा की संपत्ति। तो यही है मूल। और अर्जुन जब विषादग्रस्त हो गए, श्री कृष्ण ने उन्हें
जो उपदेश दिया वही गीता के रूप में है।